अनंत और रोज की दोस्ती को 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज तक इनके रिश्तों में कभी कोई खटास देखने को नहीं मिली। कुछ तस्वीरें दोनों देशों के बीच पुराने गहरे और मजबूत रिश्तों की बानगी हैं। साल 1947 में रूस ने भारत में दूतावास खोलने का फैसला किया था। ये तस्वीर है 21 दिसंबर की, जब राजदूत किरिल नोविकोव अपनी पत्नी और बेटे के साथ नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे थे और यहीं से इस दोस्ती के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। ये तस्वीर है 7 नवंबर 1951 की, जब नई दिल्ली में सोवियत राजदूत किरिल नोविकोव के साथ भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अक्टूबर समाजवादी क्रांति की 34वीं वर्षगांठ मनाने आए थे। साल 1955 के इस तस्वीर में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रूसी मंत्री निकोलाई बुल्गानिन के साथ निकिता ख्रुश्चेव दिखाई दे रहे हैं। इनके द्वारा नई दिल्ली में दोनों देशों के राजनयिकों की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 27 मार्च 1960 की इस तस्वीर में रूस सरकार की तरफ से जवाहरलाल नेहरू को भेंट के तौर पर गाय दी गई थी। साल 1971 में भारत और रूस के बीच शांति मैत्री संबंधों की मजबूती के लिए इंडो सोवियत कोऑपरेशन समझौता हुआ। इसी समझौते के बाद 1971 के युद्ध में भारत के लिए रूस आधी दुनिया से लड़ गया था। नवंबर 1973 की इस तस्वीर में इंदिरा गांधी भी नजर आ रही हैं। सीपीएसयू केंद्रीय समिति के महासचिव लियोनिद ब्रेंजेव राष्ट्रपति भवन के एक स्वागत समारोह में बोलते हुए दिख रहे हैं। साल 1984 की इस तस्वीर में भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के साथ यूएसएसआर के गेनेडी स्ट्रेकालो नजर आ रही हैं। ये तस्वीर नवंबर 1988 की है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के आधिकारिक दौरे पर उनका स्वागत कर रहे हैं। साल 2000 की इस तस्वीर में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान भारत और रूस के बीच सामरिक भागीदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए थे। साल 2007 की इस तस्वीर में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों देशों ने इस दौरान द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। ये तस्वीर 11 दिसंबर 2014 नई दिल्ली की है। वार्षिक रूसी भारतीय शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी। साल 2021 की ये तस्वीर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की है और जल्द रूस भारत को ये मिसाइल देने वाला है। आज भारत और रूस की दोस्ती पहले से और भी कई ज्यादा मजबूत हो गई है। ये बात गवाह है कि भारत के लिए रूस हमेशा समय की कसौटी पर खरा उतरा है।